नमस्कार। 25 जून 2020। चीन और अमेरिका को चुनौती देगा हरियाणा, करनाल में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। सोनिया और राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चीन से हुए समझौते पर जांच की मांग। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर किया कब्जा। नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर किया अतिक्रमण। बेंगलुरु IAS विजय शंकर घर में मृत मिले, 4,000 करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले का था आरोप। चीन से होने वाले आयात पर हर तरफ से वार, सख्त मूड में दिख रही मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुधार यात्रा जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, मुद्रा ऋण लेने वालों को बड़ी राहत। बिहार, सोनिया गांधी ने संभाला मोर्चा, महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ करेगी बैठक। पीएम बोले, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से निजी सेक्टर की भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। पेट्रोल डीजल की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साइकिल चलाकर जताया विरोध। न्यूजीलैंड के सिनेमाघरों के भी खुले दरवाजे, अजय देवगन की यह फिल्म हुई सबसे पहले रिलीज, गोलमाल रिटर्न्स। 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। पीएम मोदी की मौजूदगी में शुरू होगा रोजगार अभियान, एक साथ 1 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे रोजगार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले दिग्विजय, ये पीएम मोदी के लिए आपदा में अवसर। ब्रिटेन के शीर्ष 50 महिला इंजीनियरों की सूची में भारतीय मूल की 5 महिलाएं शामिल। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक बोले, पतंजलि ने नहीं ली थी कोई अनुमति, सरकार की हरी झंडी के बिना नहीं बिक सकेगी कोरोनिल। मंत्री बोले, नहीं ली थी मंजूरी। सेना प्रमुख नरवणे ने लद्दाख में अग्रिम मोर्चे का लिया जायजा, जवानों को बढ़ाया हौसला। 332 करोड़ के गबन मामले में CBI ने मणिपुर के पूर्व CM इबोबी से की पूछताछ। इस्लामाबाद में बनेगा पहला हिंदू मंदिर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बनेगा कृष्ण मंदिर, इमरान सरकार देगी 10 करोड़ रुपए। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी, राहुल गांधी। हर लोकसभा क्षेत्र में खुलेगी पासपोर्ट सेवा केंद्र, ई पासपोर्ट की भी हो रही पहल, जयशंकर। मरीजों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार का अहम फैसला। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में डिजिटल माध्यम से परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए गांव शाहपुर पानीपत में खेल अकादमी स्थापित करेगी। कुश्ती में रुचि रखने वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब उत्तराखंड सरकार भी पतंजलि को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। कोरोनिल पर बोला उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग, हमने तो कफ और बुखार की दवा का लाइसेंस दिया था। अगर आपको हरियाणा मीडिया की ये न्यूज पसंद आई तो लाइक मारें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और एक बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद।